शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस मामले में दोनों ही जजेस की राय अलग अलग रही, जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस पूरे मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए बैन के खिलाफ अपील को खारिज किया, तो वहीं दूसरे जज सुधांशु धुलिया की पीठ ने उनसे उलट राय जाहिर की, क्योंकि इस मामले में जजेस की राय एक नहीं है, इसलिए केस को सीजीआई के पास भेजा गया है। अब सीजीआई तय करेंगे कि तीन जजेस की बेंच सुनवाई करेगी। फिलहाल कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में लगा हिजाब पर बैन बना रहेगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर 26 अपीलों को खारिज किया। हालांकि उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कॉलेज मैनेजमेंट छात्रों के यूनिफॉर्म पर या हिजाब पहनने को लेकर कोई फैसला कर सकता है? क्या सरकारी आदेश शिक्षा तक पहुंच के उद्देश्य को पूरा करता है? मेरे हिसाब से जवाब अपीलकर्ता के खिलाफ है। पीठ के दूसरे सदस्य सुधांशु धुलिया की राय अलग रही। जस्टिस सुधांशु धुलिया ने अपने फैसले में राज्य सरकार के आदेश को खारिज करते हुए हिजाब पहनने पर लगी रोक को हटा दिया। जस्टिस धुलिया ने कहा कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है, मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण विषय ये था कि शिक्षा के संबंध में इस तरह का प्रतिबंध लगाकर क्या हम छात्राओं के जीवन को बेहतर बना रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए कहा कि विवाद के लिए आवश्यक धार्मिक अभ्यास की पूरी अवधारणा की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया। जस्टिस धुलिया ने कहा कि ये दरअसल पसंद और अनुच्छेद 14 और 19 का मामला है, ये पसंद का मामला है, ना ज्यादा और ना ही कम। जस्टिस धुलिया ने कहा कि उनके मन में सबसे बड़ा सवाल बालिकाओं की शिक्षा को लेकर था। ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपील करा है, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने तीन चॉइसिस के ऊपर, तीन पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन इम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उस पर रेफर करा है। फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, वर्डिक्ट है। इस वर्डिक्ट में के बाद दोनों जजेज ने इस मैटर को लार्ज ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बेंच में भेजा है टू कॉन्स्टिट्यूट अप्रोप्रिएट बेंच। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो बेंच बनाएंगे वो 3 जजेज बेंच होगी या 5 जजेज बेंच होगी, ये उनका प्रेरोगेटिव है, लेकिन अब हमें इंतजार करना चाहिए कि जो नई बेंच आएगी उसके समक्ष पूरी सुनवाई होगी फिर से, और नई बेंच का जो फैसला होगा उसी फैसले से हाईकोर्ट का जजमेंट प्रभावित होगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने पर प्रदेश सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ ने इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के तर्क 10 दिन तक सुनने के बाद 22 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने जोर देकर कहा था कि मुस्लिम लड़कियों को कक्षाओं में हिजाब पहनने से रोकने से उनकी पढ़ाई खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि उन्हें कक्षाओं में जाने से रोका जा सकता है। कुछ वकीलों ने इस पूरे मामले को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने की गुजारिश भी की थी। वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश वकीलों ने कहा था कि हिजाब को लेकर विवाद खड़ा करने वाला कर्नाटक सरकार का फैसला धार्मिक रूप से तटस्थ था। कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी 2022 को आदेश दिया कि स्कूल्स में ऐसे कपड़े पहनकर कोई नहीं आ सकता, जिससे स्कूल कॉलेजेस में व्यवस्था बिगड़े। उडुपी की सरकारी प्री यूनिवर्सिटी की कुछ मुस्लिम लड़कियों ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कक्षाओं में हिजाब पहनकर बैठने देने की अनुमति मांगी थी। 15 मार्च को हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।